हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोहन थाल बनाने का सबसे आसान और सही तरीका बताने जा रही हूँ, जिसे देखते ही आप अभी कभी ज़रूर से बनाएंगे। मोहन थाल सभी को पसंद आती है, पर कई लोगों की हमेशा से शिकायत रहती है कि इसे बनाने जाओ तो सही से नहीं बनती, क्योंकि इसका सही रेशियो ही नहीं पता होता है या फिर तरीका ही गलत होता है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। इतना स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाला मोहन थाल बना है, जिसे मैंने बिना खोया मावा मलाई मिल्क पाउडर और मिल्क से बनाया है। तो दोस्तों, मेरे बताए तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही बारीकियों के साथ आसान तरीका मैंने बताया है। आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों, मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बबीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने कुकिंग चैनल पर। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसे नए नए वीडियो हमेशा देखने के लिए। तो चलिए आगे रेसिपी शेयर करते हैं। मोहन थाल की रेसिपी का सारा रेसियो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, 2 कप बेसन हमने इसी कप से छान कर ले लिया है। इसमें डालेंगे हम 3 टेबलस्पून जितना देसी घी मोयन के लिए, क्योंकि हमें इसे दानेदार बनाना है। तो चलिए 3 टेबलस्पून यहाँ पर घी ले लेते हैं, आप इसके जगह वनस्पति घी भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 टेबलस्पून दूध ऐड करते हैं, और बाद में 1 टेबलस्पून दूध हमने और ऐड किया था क्योंकि कम लग रहा था। तो टोटल हमने 5 टेबलस्पून दूध यहाँ पर ऐड किया है। तो इसी तरीके से हाथों से मलते हुए इसे हमें दानेदार बनाना है, इसका मोयन तैयार करना है। तो दोस्तों, सारी बारीकियों के साथ आज मैं आप लोगों को मोहन थाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पूरा वीडियो आप लोग जोर से देखिएगा, नहीं तो आप लोग सही से मोहन थाल नहीं बना पाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, बेसन हमारा दानेदार हो चुका है, इसे हम छानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बारीक वाला छन्नी लिया हुआ है, आप चाहें तो मोटा वाला छन्नी जो आता है चावल छानने वाला, उससे भी आप छान सकते हैं अगर आपको थोड़ा मोटा दाना पसंद हो तो। तो यहाँ पर देखिए, बारीक छन्नी से हम इसे छान लेते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। बेसन हमने यहाँ पर छान कर तैयार कर लिया है, और ये बेसन बहुत ही दानेदार है। बेसन को यहाँ पर साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ों का माप हम देख लेते हैं। जिस कप से हमने बेसन लिया हुआ था, उसी कप से यहाँ पर चीनी लेंगे। 1.25 कप यहाँ पर हमने चीनी लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 कप में थोड़ा सा कम ही चीनी है। अगर आपको थोड़ा सा और कम मिठास पसंद है तो चीनी थोड़ा सा और कम डाल सकते हैं। और इसी कप से हम 1 कप घी लेंगे, देसी घी लेंगे। तो चाशनी का भी मेजरमेंट बता देते हैं, इसी कप से 1.25 कप हमने चीनी लिया हुआ था, तो 1.25 कप पानी लेंगे, 1 कप से थोड़ा कम पानी लेंगे चाशनी बनाने के लिए। कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दिया है, जिस कप से हमने बेसन का माप लिया हुआ था उसी कप से भरकर हमने 1 कप देसी घी का लिया हुआ है। घी को हल्का सा मेल्ट होने देते हैं, फिर इसे हम डालेंगे यहाँ पर छान कर रखा हुआ दरदरा बेसन। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है, तेज आंच पर नहीं भूनना है, और भूनने में इसे कुल हमें 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर बिना स्किप करते हुए बेसन को हम लगातार भूनते रहेंगे, और यहाँ पर बेसन का आप दाना देख सकते हैं, कितना अच्छा इसमें दाना आया है। और थोड़ी देर में देखिए, बेसन देखिए कितना गीला हो चुका है, पहले से कितना पतला हो चुका है देखिए। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपको हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है, हाई फ्लेम पर कभी भी ना भूने। तो इसे भूनने के लिए थोड़े पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो बेसन यहाँ पर भून रहा है, तब तक यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो एक ट्रे को यहाँ पर मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, एक और तैयारी कर लेते हैं। 1/2 कप यहाँ पर हमने दूध लिया हुआ है, 5 टेबलस्पून यहाँ पर मिल्क मेड ऐड कर लेते हैं दूध में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ना यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ना मावा का यूज़ कर रही हूँ, ना मलाई का यूज़ कर रही हूँ। तो इन चीज़ों के बगैर भी हम मिल्क मेड से आज आपको बनाकर दिखाएंगे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो 1/2 कप दूध में हमने इसे ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक और तैयारी कर लेते हैं, 1.25 कप पानी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो 1.25 कप हमने चीनी लिया हुआ था, उसके लिए यहाँ पर हमने
पौने एक कप पानी लिया है, थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया आपने देखा। और ये पानी का मेजरमेंट हमने चाशनी के लिए आपको बताया है, क्योंकि थोड़ी देर में ही बेसन भूनकर भी तैयार हो जाएगा। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भुना है और टोटल 20 मिनट का टाइम लगा है हमें इसे भुनने में। तो दोस्तों अभी इसे भुनते हुए टोटल 15 मिनट का टाइम हो चुका है। इसी टाइम हम ऐड करेंगे दूध में मिक्स किया हुआ 5 टेबलस्पून जितना मिल्क मेड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मिल्क मेड यूज़ किया है, इसके जगह आप 100 से 150 ग्राम मावा भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं ग्रेट करके। यहाँ पर देखिए डालते हुए इसे लगातार भुनना है, और ये भुनते हुए देखिए ये कैसे बाइंड होने लगा है, पहले से गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर मिल्क मेड डालने के बाद हमने 5 मिनट के लिए भुना है और ये मिश्रण तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रखते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो 1.25 कप पानी था, इसमें डालेंगे 1.25 कप जितना चीनी। चीनी को यहाँ पर मेल्ट होने देते हैं और 2 तार की चाशनी होने तक इसे हम पका लेते हैं। चाशनी यहाँ पर पहले से गाढ़ी हो चुकी है, इसे अच्छी तरह से पकाना है। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए लेकिन ये पतली नहीं होनी चाहिए। 2 तार की चाशनी हमें चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं तैयार हुई है कि नहीं। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करके आपको बताते हैं, देखिए 2 तार की चाशनी बनकर तैयार है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए पर यह पतला ना हो। तो एक चुटकी यहाँ पर फूड कलर डालेंगे, केसरिया रंग यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर फूड कलर डालने के बाद 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और ये चाशनी बनकर रेडी है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे फ्रेशली कूटा हुआ दरदरा हरी इलायची, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए चाशनी को थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा भाप निकल जाए। और यहाँ पर देखिए बेसन के मिक्सचर में इसे हम ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म ही है अभी बेसन का मिक्सचर, इसमें हम ऐड कर देंगे। चाशनी को हमने बेसन के मिश्रण में ऐड कर दिया है, गैस के फ्लेम को हमें ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पर बिना गैस के फ्लेम को ऑन करते हुए इसे लगातार हमें मिक्स करना है, लगातार चलाना है, इसकी गुठलियाँ हमें हटा लेनी है। तो दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान गैस को चालू नहीं करना है, बिना गैस चालू किए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और ये अपने आप से ये जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों सारी गुठलियाँ हट गई है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है और ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। लगातार इसे हम मिक्स करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, और ये देखिएगा आप थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी, सेट करने लायक हो जाएगी। तो इसे बीच बीच में हम 5-5 मिनट के अंतर में इसे हम लगातार चला रहे हैं। और ये देखिए मिश्रण पहले से गाढ़ा हो चुका है और ये अभी रेडी है जमाने के लिए, देखिए। तो आइए दोस्तों एक सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिस पैन में हमने चाशनी बनाया हुआ था, यहाँ पर देखिए चाशनी का लेयर बन गया है, खुरचन बन गया है। तो ये पैन सूख जाने के बाद थोड़ा सा इसमें ये जो लेयर बन गया है, यही निशानी है कि आपका चाशनी जो है सही से बना हुआ है और आपका मोहन थाल भी सही से बनेगा। तो चलिए इसे हम सेट करने के लिए अभी यहाँ पर इसे फैला देते हैं। इसे एक स्पून में थोड़ा सा घी लगाकर अच्छी तरह से इसे एक साइड कर देंगे, चिकना कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पिस्ते का कतरन लगा देते हैं, अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो उसे भी आप लगा सकते हैं। अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट से इसे आप सजा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे सेट कर दिया है, 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे। और ये देखिए दोस्तों 5 घंटे बाद देखिए हमारा मोहन थाल एकदम सेट हो चुका है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया था, अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छा ये देखिए सेट हो चुका है। पहला वाला पीस यहाँ पर निकालते हैं, तो पहला वाला पीस निकालने से थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन बाकी के सारे पीसेस हमारे सही से निकले हैं। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे मोहन थाल बनकर तैयार है। तो ये बहुत ही परफेक्ट बने हैं, आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं। और ये लीजिए दोस्तों बहुत ही दानेदार, बहुत ही परफेक्ट, मुलायम और खाने में उतना ही स्वादिष्ट, मुँह में घुल जाने वाला मोहन थाल बनकर तैयार है। तो दोस्तों सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, एक एक बारीकियों के साथ मैंने आप लोगों को मोहन थाल बनाने की रेसिपी शेयर की है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये मोहन थाल की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे इस चैनल पर नए नए रेसिपी हमेशा देखने को मिले।
और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोगों ने इसे बनाया तो कैसा बना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसी नई नई रेसिपीज हमारे चैनल पर आकर ट्राई कीजिए।